आइए भैया, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्रवण कुमार है। श्रवण, आपको क्या दिक्कत आ रही है? सर 2 साल पहले फुटबॉल खेलने में मेरा पैर सर ट्विस्ट हो गया था, थोड़ा आवाज़ पॉप अप का आवाज़ हुआ था, तो सर उससे मैं पार्शियल था मेरा। उस समय सर थोड़ा पार्शियल था जो हम। आपको कैसे पता चला था कि आपका पार्शियलिटी था? सर उस समय स्वेलिंग हो गया था 4-5 दिन, तो घर में ही माँ जिस तरह सेकू करती है उस तरह किए, तो आपने कोई एमआरआई थोड़ी करवाई थी उसको? नहीं, उस वक्त नहीं कराया सर, 4-5 दिन के बाद फिर डॉक्टर से मिले थे, और उसके बाद फिर उन्होंने एक्सरे करवाया, फिर एक्सरे में तो कुछ रिपोर्ट सही था सब कुछ, तो फिर डॉक्टर ही हमको एमआरआई मतलब ये बताएं कि एमआरआई आप कीजिए। जब आपने आपकी एमआरआई करवाई, जो मैं अभी देख रहा हूँ पुरानी एमआरआई जो आपकी हुई थी सन 2020 में, उसमें पार्शियल टीयर आया था। जी सर। उसके बाद आपने कोई इलाज या कुछ लिया था इसका? सर इलाज तो नहीं लिया था, एक मतलब बैंडेज टाइप का था जो नी को मतलब सही से रख सकता था, और उसमें कोरोना का टाइम भी था सर, तो हम थोड़ा नहीं करवा। सर हम बिहार भागलपुर के हैं। तो आपको उसके इस 2 साल के दौरान आप कुछ रनिंग जंपिंग कुछ कर रहे थे? नहीं सर, ये मना किया गया था, डॉक्टर ही बताए थे कि आपको दौड़ना कूदना ये नहीं है। ट्राई किया था कुछ कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते? मतलब ट्राई तो हम नहीं किए थे सर, थोड़ा मन में डर था। डर आ गया जी। और आप चलते थे तो कोई दिक्कत होती थी कि आपको? चलने में तो सर फिलहाल कुछ दिक्कत नहीं था सर, और उठ बैठ भी सही से पा रहे थे, लेकिन आपसे सर हम मिले थे पटना में, जब पटना कैंप में आप जी आपसे मिलने गए थे सर, तो उस समय आप रिपोर्ट देखकर पैर को देखकर आप बताए थे कि आपका प्रॉब्लम है बेटा, आप आ जाइए मेरे पास। आपका जो चेक किया था उसमें आपकी रिलैक्सिटी आ रही थी। जी दोबारा चेक करते हैं, इधर बैठिए। आपके कौन से पांव में चोट लगा हुआ है? लेफ्ट पैर। पैर को मोड़िए। इसको मैं दूसरे पैर से भी कंपेयर करना चाहूँगा, क्योंकि कई लोगों के थोड़ी सी लैक्सिटी बॉडी में होती है, लेकिन ये वाला इतना नहीं हिल रहा है, और ये वाला थोड़ा पैर की साइज़ को देखें तो पैर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, पैर इतना पतला नहीं पड़ा है आपका। आपको कभी सीढ़ी उतरने में चढ़ने में इनमें कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत आती है? नहीं सर फिलहाल तो नहीं आ रहा है सर। लेकिन आप रनिंग वनिंग ट्राई नहीं करे हो? आपने भागा दौड़ी भी कोई ट्राई नहीं करी? नहीं सर ट्राई नहीं की मैंने। देखिए जो आपकी एमआरआई है, एक बार इनकी फिल्म दिखाई। ये जो नई वाली एमआरआई है वही? जी जी। जो एमआरआई है उसमें फीमोरल अटैचमेंट से जो आपका एसीएल लिगामेंट है वो टूटा हुआ है, इसको अपने को दूरबीन से नया लिगामेंट लगाना पड़ेगा। जी सर। और ये ऑपरेशन दूरबीन की सहायता से होगा, जैसे मैं वीडियोस में बताता हूँ, आपको किसी किस्म का दर्द नहीं होगा, और ऑपरेशन के 2 दिन बाद आप घर जा सकते हो। ठीक है। थैंक यू सर। और जो स्क्रू हम लोग यूज़ करेंगे इसमें वो बायो स्क्रू यूज़ होगा। बायो स्क्रू की खास बात ये रहती है कि वो अपने आप हड्डी बन जाता है, उसको निकालना नहीं पड़ता, तो आपको उसको कभी दोबारा निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी, और वो अपने आप हड्डी बन जाएगा। ठीक है जी सर। आप तैयार हैं इस ऑपरेशन के लिए? बिल्कुल सर, आप जैसा बोलिए सर। तो आज हम आप अभी आपने खाना पीना कब से खाना बंद किया हुआ है? सर खाना तो रात में ही खाए थे लास्ट टाइम, और सुबह में बस जस्ट थोड़ा सा पानी ले लिए थे, पता नहीं। ठीक है, तो 6 घंटे का खाली पेट चाहिए होता है, तो आज आपका 2-3 बजे के करीब आपका ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, कल से आप चलना फिरना स्टार्ट कर दोगे, और 2-3 दिन बाद आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, आप ट्रेन से घर जा सकते हो, और फिर बाद में आके आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन हम आपको सपोर्ट देंगे, वैसे वैसे आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। थैंक यू सर, आप ही का सपोर्ट से हम लोग हैं सर। आपका यहाँ का आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको कोई दिक्कत हुई यहाँ पे आने में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुआ, और आपसे एक्चुअली सर हम मतलब आपसे जब फर्स्ट टाइम मिले पटना में, एक अलग से एक फीलिंग आया अंदर में कि सर ठीक है, क्योंकि हम जिस टाइप के हैं सर, मतलब आपका मेरा थोड़ा सा कम्युनिकेशन एक टाइप का है सर, थोड़ा सा हमको विश्वास लगा। कोलकाता में भी बहुत मतलब मेरे पापा कोलकाता में हम लोग रहते हैं, तो पापा बोले कि कोलकाता में करवा लो, लेकिन फिर सर मेरे मन में आया, तो हम अभी हावड़ा से आ रहे हैं यहाँ। अच्छा, फिर सर रिटर्न भी तो हावड़ा। कितना टाइम लगा आपको ट्रेन से आने में? ट्रेन से सर वही
24 घंटे प्लस। और आपके साथ कितने लोग आए? मेरा छोटा भाई आया। देखिए, आपके साथ अगर आप अकेले भी आते तो भी हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अकेले ही आके करवा के चले जाते हैं, और आपका भाई आया, आप लोगों को पूरी हेल्प मिलेगी और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ऑपरेशन के दौरान आपको सारी बातें दिखाई जाएगी, किसी किस्म का आपको सुई चुभने जैसा भी कोई दर्द नहीं होगा, ठीक है, और आप पूरी तरह फिट हो जाओगे। चलो, बेस्ट।